नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है महाराष्ट्र के बारामती शहर में है। ये शहर अब अजीत दादा पवार का गढ़ है और यहाँ से उनकी पत्नी सुनीत्रा पवार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर और उनका मुकाबला है सुप्रिया सुले से जो कि शरद पवार की बेटी हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का राजनीतिक माहौल हम देख रहे हैं, जो लहर हम देख रहे हैं, वो दिख रहा है कि अजीत दादा पवार ने यहाँ पर भारी बढ़त बना रखी है। हमने यहाँ पर दोनों एनसीपी के जो गुट हैं उनका भी दौरा किया, कार्यालयों को देखा, तो जो भीड़ हमें अजीत दादा पवार वाली एनसीपी के कार्यालय में नज़र आई वो दूसरी तरफ से नदारद थी। चुनाव चिन्ह बदल चुका है, असल चुनाव चिन्ह जो घड़ी है एनसीपी का वो अजीत दादा पवार के पास है। तो चुनाव चिन्ह में अब ठीक है कि सुप्रिया सुले को मिला है, दूसरा जो तुरही जिसको बोलते हैं वो है उनके पास, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो घड़ी से ज़्यादा परिचित हैं। घड़ी तो आ गई है अजीत दादा पवार के पास, तो क्या इस बारामती संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने का समय भी सुनीत्रा पवार को मिल जाएगा, ये जानने के लिए हम बारामती का दौरा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता हैं, आइए जरा उनसे समझते हैं कि अब इस बार का जो चुनाव है उनके लिए थोड़ा सा अलग भी है, तो इस अलग चुनाव में वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? शब्बीर नूर मोहम्मद शेख, पुणे जिला सचिव और मुस्लिम समाज का अध्यक्ष जी, जो पवार साहब रहते हैं अमराई विभाग का जी, बारामती शहर जी। अच्छा, अभी पिछला चुनाव तक अगर हम बात करें तो सब कुछ एक था, अभी विभाजित भी हैं। अजीत दादा पवार के पास ज़्यादा समर्थन दिख रहा है, ऐसा क्यों है? अजीत दादा साहब के इतना अजीत दादा साहब जो सर्वसामान्य और बहुजन समाज छोटी छोटी जाति जाति धर्म और सब मज़हब को लेके अजीत दादा अपने साथ चलते हैं। कभी ही हमारे अजीत दादा ने जातिवाद या भेदभाव किसी ने, वो खाली कार्यकर्ता गरीब हो, कार्यकर्ता अमीर हो, सबको एक बराबर हमारे वो कीमत देते हैं और सब लोगों के आम आदमी से लेके तो पूरे बड़े से बड़े लोग के एक लाइन में हम हर हफ्ते अजीत दादा बारामती को आके जनता दरबार लेते हैं। उसी तरह अजीत दादा जो भी हमारे तालुके के विकास के राजधान है, 30-35 साल का मेरे को तजुर्बा है, 35 साल से मैं अजीत दादा के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा हमको कभी दिक्कत नहीं पड़ी कि अजीत दादा ने कौन से कार्यकर्ता के साथ नगेज नज़दीक या दूरी का या जात का माहौल ऐसा कभी पैदा नहीं किया। दूसरी बात ऐसा है कि हमारे बारामती तालुके में सब जितने भी कार्यकर्ता है हर जात जमात के, हमारे उधर सब महाराष्ट्र में अलग स्थिति है और हमारे बारामती में हम सब भाईचारा जो है हमारे महाराष्ट्र के और भारत देश में जो ज़्यादा ज़्यादा हमारे बारामती नाम है हमारे गाँव का, लेकिन हम सब एक मत से भाईचारे में काम करते हैं। वैसे हमारे अजीत दादा सबको एक ही तराजू में जोकते हैं कि कोई छोटा मोटा ऐसा भेदभाव नहीं करते। गरीब से गरीब जब भी जाम के आग उनके साथ में जाएगा तो पहले काम उसका करेंगे, ऐसा नहीं कि वह बड़ा कोई आया है उसको बाहर रुकाओ, गरीब को बाहर रुको, ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के एडमिशन हो गए, यहाँ के पानी योजना होगी, यहाँ के घरकुल योजना थे हमारे बारामती शहर में अजीत दादा ने अभी तक के 500 घरकुल बिना पैसे का, जो गोर गरीब है और बहुजन समाज के लोग हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं, मागासुर के लोग हैं, दलित लोग हैं, इनके लिए अभी अच्छे से अच्छे मकान बनाए हैं। इसलिए हमारे जो छोटे मोटे जो लोग हैं हमारे बहुजन समाज के, ये चाहते हैं बाबा बाहर कुछ भी हो लेकिन हमारे वहीनी साहब और अजीत दादा जो बोलेंगे तो हम घड़ी को वोटिंग करेंगे। सर्वसामान्य आदमी 80% अभी तक तो 80% हमारे पूरे तालुके में हमारा माहौल खड़ा है और हम सब समाज के लोग, सब कार्यकर्ता मिलके हम ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी को मतदान करके हमारे सब बहुजन समाज को बोलेंगे कि दादा को सबको विकास है, ऐसा उनको बोलना नहीं पड़ता। दादा ने जो विकास है कि जो भी मतदाता है वो बारामती तालुके बारामती शहर के है और वो हमारे 80% लोग मतदान हमारे घड़ी को ही करेंगे, ये हमारा वादा है जी। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि खासतौर पे जिस बीजेपी का आप लोगों ने अब तक विरोध किया, आज वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको लगता है कि एनडीए के साथ हैं आप लोग, तो मतदाता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? ये तो
हम बहुत फील्ड पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये बात करने के लिए हमारे बड़े बड़े लोग हैं। ये एक सवाल उनसे कीजिए, ये जो हम जो कह रहे हैं ग्राउंड पे काम करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो उसके बारे में वो पूछ लिया तो अच्छा रहेगा। नहीं चलिए मैं फील्ड वाला ही सवाल करता हूँ। बड़े बड़े नेता तो चलिए वो उनकी फोटो दिख जाती है, सब साथ में है, फील्ड पे क्या NDA के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? जी जी, सब BJP वाले दिल से काम कर रहे हैं। BJP वाले कर रहे हैं, सिंधे साहब कर रहे हैं, सिंधे साहब का ग्रुप कर रहा और दादा का तो कोई सवाल ही नहीं। MNS साथ में काम कर रहे हैं। और खासतौर पर आपने देखा कि शरद पवार जी ने भी एक भावुक अपील की, उनकी बेटी ने चिट्ठी लिखी है मतदाताओं के नाम पे, तो आपको लगता है कि वो भावनात्मक अपीलें काम करेंगी या दादा का काम काम करेगा? ये जो आपने हम वो आपको बोल दिया ना कि हम ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, बहुत देखिए ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि बरसों तक जिसके साथ काम किया है तो बहुत कुछ खिलाफ बोल नहीं सकते, तो थोड़ा सा रणनीति के तहत लोग बता भी रहे हैं। जी आप बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार का चुनाव में? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसा है जी? जो NDA का जो हमारा जो अजीत दादा का जो सीट है, जो गढ़वाल का, जो महायुति का है, ये तो 100% लगेगा, क्योंकि अजीत दादा का काम बहुत बढ़िया है। अजीत दादा एक विचार है जी। इतना विकास किया है, अनुभव आदमी रोक ठोक बात करता है, अगर काम बनना है तो हाँ बोलता है, नहीं बनना है तो नहीं बोलता है, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है ग्राउंड लेवल को बहुत बढ़िया है। जो वो किधर भी लोग कार्यकर्ते को, छोटे कार्यकर्ते को भी देखेंगे ना तो नाम से पुकारेंगे तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। क्या आज तक जो भी ताई वगैरह उनके साथ में थे तो वो उनके वजह से वो चल रहा था जी। लेकिन जो अभी तुम बोल रहे कि लोग भावनिक हो जाएंगे जी। लेकिन नहीं हो जाएंगे भावनिक, क्यों? तो दादा का काम बोल रहा है जी। दा का इतना बड़ा काम है अल्पसंख्यक के लिए भी जी। आज मैं एक अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक तालुके का जी। तो उन्होंने 15 करोड़ का निधि दिया है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। और सब जो वो बोल रहे, अगर अल्पसंख्यक को भी हाथ लगा तो मेरे को हाथ लगाए इतना, और सब दलित हो या सब जातियों को हो तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन लोग क्या बोल रहे कि दादा इधर गए उधर गए, नहीं, दादा एक विचार है और वो बहुत बढ़िया है, आगे आगे होता है क्या देखो। तो आज हम तो बोल रहे कि 100% आज हमारा विजय हो गया है, दादा चुन के आए ले वही नहीं चुन के आए ले, ये हम 100% आपको बोल रहे हैं जी। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, हाँ अब की बार मोदी सरकार, यानी कि दादा का जो काम बोल रहा है इस बारामती लोकसभा मतदार संघ में, मोदी तो है लेकिन ये जो बारामती लोकसभा जो काम चल रहा है ओनली अजीत दादा। जी हाँ, आप कुछ कहना चाहते? सर मराठी में एक कहावत, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, जो काम अच्छा करता है, जो बात बोलता है वो काम करके दिखाता है, उस उनमें से हमारे एक दादा है जी। दादा और ये सुनेत्रा दीदी जो कैंडिडेट है वो पैदा इसी पॉलिटिशियन घर में गए, उनको पॉलिटिक्स क्या है ये सब पता है, और आज तक उन लोगों का काम करना इतना ही मालूम है, सामने कौन है वो पता नहीं। हम उसकी बात करता हूँ, इधर आओ भी जी। ये बार्टी था, एक बार्टी संस्था है, बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कुछ दलित लोग गए थे दादा की तरफ कि भाई हमें जरा थोड़ा और हिस्सा चाहिए जी। तो उसका डिवाइडेशन करके उनके लिए RT बना दी दादा ने, एक बात बोल दी थी तो उसके लिए दादा ने वो हाउस में 6 महीने 4 महीने पहले RT बना दी, जो दलित लोगों का काम पड़ा था बाजू में वो पूरा कर दिया, यानी जिनका नाम दादा वो करते पूरा वाला जी। और दादा के पास तो वित्त विभाग भी है, वो जहाँ पे चाहे विकास कर सकते हैं। बोलना है जो महाराष्ट्र के अंदर जो मौलाना आज़ाद महामंडल है, जब दादा भी महायुति में मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री, तो दादा ने पहले सबसे बड़ा निर्णय 600 करोड़ का, यानी कि बहुत बड़ा निधि बढ़ाया, और इसके वजह से जो अल्पसंख्यक समाज है तो सबको ये लोन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, जब पुसी सावली में जो हल्ला हो गया अल्पसंख्यक के ऊपर, जब कोई नहीं गया, सिर्फ अजीत दादा वन मैन शो सुबह चले गए और उधर उन्होंने उनको एक जॉब भी लगाया, बहुत बड़ा काम किया, तो आज पुसी सावली के लोग बहुत खुश है दादा के लिए। इन्हें माइनॉरिटी रहो या दलित रहो या कोई जाति के रहो, दादा का इतना बारीक ख्याल है कि इतना कोई बड़ा नेता नहीं दे सकता। ये आज हम 30-40 साल देख रहे दादा को, दादा दादा ही है, और दादा का एक काम बहुत बड़ा बन रहा है। ये जो
विजय होने वाले, तो सिर्फ दादा का काम ही विजय करने वाला है जी। और सुमित्रा वहीनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी की, तो ऐसी क्या खूबी है कि जनता उनको चुने इस बार? सुमित्रा वहीनी जो है जी, वो गरीब महिलाएं हैं जी, ग्रामीण भाग में जी, जिनको काम नहीं है जी, उनको उन्होंने रोजगार दिया है जी, टेक्सटाइल पार्क हो, बचत गट हो जी, उनसे बहुत बड़ा उनको रोजगार दिया है जी, और उनकी काम करने की पद्धति जो है वो बहुत अच्छी है जी, इसलिए इस बार सुनेत्रा वहीनी ही जीत के आई जी। सुनेत्रा वहीनी अब की बार 400 पार, और यहाँ पर सुनेत्रा वहीनी जी। एक तरफ सुनेत्रा जी हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया जी हैं, जनता इस बार किसके साथ नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार काफी समय से आप लोग कर रहे हैं? जनता हर बार और इस बार भी जी, डेवलपमेंट जो है, विकास जो है जी, विकास के मुद्दे के पीछे जाएगी जी, और जनता को मालूम है बारामती का विकास सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार कर सकते हैं, इसलिए जनता इस बार भारी मात्रा से सुनेत्रा वहीनी को जिताने वाली है जी। हम गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव-गांव में बहुत अच्छा वातावरण है, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दादा ने पिछले 30-40 साल में जो विकास किया था, विकास की वजह से प्रचार करने की ही ज़रूरत अभी महसूस नहीं हो रही, इतना अच्छा वातावरण है जी। बिल्कुल, और ये गन्ना बेल्ट भी है, आपको लगता है कि जो वादे थे अजीत दादा ने वो पूरे किए हैं उस क्षेत्र के लोगों से? बिल्कुल, बारामती क्षेत्र में जी, हमारे इस तहसील में दो तीन शुगर केन के कारखाने हैं, और आप देख के, आप अगर आप ग्रामीण भाग में अगर घूमेंगे तो आपको छोटी छोटी बस्ती में बड़े बड़े बंगले दिखाई पड़ेंगे, गाड़ियाँ दिखाने आपको देखनी मिलेगी, क्योंकि जो शुगर केन की MRP रहती है, SMP जो मिनिमम प्राइस शुगर केन को देनी पड़ती है, उससे कई ज़्यादा प्राइस अजीत दादा के नेतृत्व में यहाँ के कारखाने दे रहे हैं। वहाँ पर डिस्टिलरी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो सभी जो बाय प्रोडक्ट है, सभी कारखाने के पास बाय प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत अच्छा रेट यहाँ का गन्ना जो किसान है उसको मिल रहा है, गन्ना किसान बहुत यहाँ का खुश है जी, बहुत खुश हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसको कैसे देखते हैं आप, पिछला जो कार्यकाल रहा अजीत दादा का, आपको लगता है कि यहाँ पर और विकास करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े संख्या में यहाँ पे कॉलेजेस हैं, बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से आकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम पिछले 30 सालों से अजीत दादा यहाँ स्पीक करके आ रहे हैं जी। उन्होंने एक ऐसा इधर ट्रांसपोर्ट आपने देखा, रोड का जो काम जी, है जी, रेलवे का जो काम है जी, एकदम अच्छा काम जी, जो कि हमको लगता है कि हम बारामती में नहीं है, सिंगापुर में रहते हैं जी, जी। ऐसा काम आदरणीय दादा ने हमारे किया है जी। और मोदी साहब की बात के करेंगे जी, तो जो कांग्रेस सरकार ने 60 साल में जितने हाईवेज होंगे उसका लंबाई नहीं की, उसके 2 गुना लंबाई इस 10 साल में मोदी साहब ने किए, इसलिए हमको अजीत दादा चाहिए, मोदी साहब चाहिए जी। और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अगर मोदी साहब फिर से आ गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, क्या कहना है इस आरोप पर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिख के रखी है जी, उस पर देश चलता है जी, और मोदी जी सबसे ज़्यादा अनुकरण उस पर करते जी, राहुल गांधी जी का कोई सुनने वाला नहीं है, और उनका जो है तो समाज में तेढ़ निर्माण करने का उनका जो भविष्य है कि वो डेमोक्रेसी खतरे में, वैसा कुछ नहीं है। इतना राम मंदिर का प्रश्न मोदी ने चुटकी सर से अच्छे से निकाला है, वो राम मंदिर के लिए 10 लाख लोगों ने जान दिए, सकाल की जो पुरवनी आई थी राम मंदिर बनने का उसमें हमने देखा था जी, तो 10 लाख लोगों का बलिदान हो गया जी, और इस इतने अच्छे मुद्दे पे भी कोई कुछ दंगा नहीं हो गया जी, इसलिए मोदी का वो कोई वैसा एजेंडा नहीं। आपने राम मंदिर की बात करी, तो अगर हम बारामती की जनसंख्या को देखें तो लगभग 80% से ज़्यादा आबादी यहाँ पे हिंदुओं की है, आपको लगता है ये भी एक मुद्दा रहेगा, फ़ायदा होगा NDA को यहाँ पर? क्या है, हमारे अजीत दादा ने पिछले 35-40 साल में जो राजकारण किया है उसमें कोई जाति धर्म का राजकारण नहीं किया, सभी समाज, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबको साथ लेके काम किया है, इसलिए वो सभी लोग 80% हिंदू भी है और जो मुस्लिम समाज है, जो सिख समाज है, वो पूरे अजीत दादा के पीछे है और ताकत से है, वो अपने खुद काम कर रहे हैं, इसलिए कोई अड़चन नहीं है जी। संविधान वाली बात पे आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस बात में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोशल जस्टिस में काम करता हूँ, हमको और पूरे भारतवासियों को गर्व है कि हमारे देश का जो संविधान है, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव
बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और ये दुनिया का सब दुनिया में सबसे सफल संविधान हमारा है जी। भारत देश की नींव संविधान है जी। और भारत देश की नींव इतनी पक्की है जी। तो वो पक्की नींव कोई भी हिला नहीं सकता। हमारे नेता अजीत दादा पवार बार बार अपने भाषण में रैली में कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद है तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और खुद पीएम मोदी साहब ने भी ये बयान दिया था कि अगर आज बाबा साहब होते तो आज बाबा साहब भी संविधान नहीं बदल सकते। इसलिए संविधान को बदल देंगे सब अपवाह है, संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता जी। हम आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ज़माने में जो लोग प्रोटेक्शन का काम करते थे वो जो समाज है, ये भाई साहब उस समाज से आते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और आपका समाज जो यहाँ पर कितना है वो भी बताइए जरा। मेरा नाम है नाना साहेब बाड़ा संबोधने जी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पुणे जिला उपाध्यक्ष में जे को काम करता इधर में बारह में जी। तो जी तो ये बताइए कि इस बार का चुनाव है, आपने तो खैर एनसीपी का यहाँ पर ये बैच लगा रखा है, लेकिन बहुत सारी पार्टियाँ यहाँ पर आ रही होंगी आपके पास, कोई कह रहा होगा हम आपको फ्री में ये दे देंगे, कोई कह रहा होगा हम आपके लिए वो कर देंगे, तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, आपका मन किसके साथ है, एनसीपी के साथ है या कुछ नहीं? नहीं, हमारा समाज सब एनसीपी के साथ है। जो अजीत दादा ने जो हमारे समाज के लिए जो किया है अभी, और जो महामंडल किया है राजू उमेश नाइक नाम से जो महामंडल का, उसको जो निधि दिया है वो 50 करोड़ रुपए दिया है। तो अभी उन्होंने बता दिया है कि ये चुनाव होने के बाद 1,000 कोटी तरतूद कर देंगे। अभी उस इन चुनाव के बाद समाज को वो बोल दिया है उन्होंने, तो इसलिए समाज पूरा जो हमारे बारह में 21,000 समाज है वो पूरा ही एनसीपी के साथ रहेगा, पूरा ही एनसीपी के साथ रहेगा। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय बारामती से हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कार्यकर्ता अजीत दादा पवार के कार्यों से खुश हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ उनका नियमित संवाद बना रहता है, हर कार्यकर्ता को उसके नाम से पहचानते हैं, काम करते हैं, तो उसका एक असर यहाँ पर दिख रहा है और यही वो कारण है जिसके चलते सुनेत्रा जी भी अपनी जीत का दावा अभी से कर पा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।